अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर के पकोड़े, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चले शुरू करते हैं पनीर के पकोड़े बनाना। इसके इंग्रेडिएंट्स इस तरह है। मैंने आधा पैकेट पनीर लिया हुआ है, उसे क्यूब में काट कर लिया हुआ है, और कुछ पनीर को मैंने चूरा किया हुआ है। एक कप बेसन लिया हुआ है, एक टीस्पून अजवाइन, एक टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, एक टेबलस्पून ज़ीरा, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून ज़ीरा पाउडर, एक टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून नमक, या आप स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं, और हाफ बंच हरा धनिया के और हाफ बंच पुदीने के, और पानी। एक प्याला लेंगे, इसमें हम बेसन शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हमें शामिल करना है। फिर उसमें नमक, हल्दी, अजवाइन, कुटी लाल मिर्च, साबुत ज़ीरा, कुटा ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये सब शामिल करके इसमें थोड़ा पानी डाल के उसका बैटर बनाना है। इस तरह हमारा बैटर बन चुका है। उसमें ये पनीर क्यूब्स में कटे शामिल करेंगे और ये चूरा किया हुआ पनीर शामिल करेंगे और उसे मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि पनीर टूटे नहीं। हरा धनिया और थोड़ा पुदीना के पत्ते शामिल करके इसे मिक्स करें। तो चले शुरू करते हैं इसे फ्राई करना। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और उसे गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें। तेल अब हमारा गर्म हो चुका है, तब हम थोड़ा सा इस तरह बैटर डाल के चेक करते हैं। हाथ अच्छे से साफ धो लें और छोटे छोटे पकौड़े पनीर के फ्राई करने के लिए छोड़ दें। और उसे जल्दी पलटे नहीं, एक तरफ अच्छे से होने दे तब उसे पलटे। अगर हम उसे जल्दी से पलट लेंगे तब इसके टुकड़े हो जाएंगे। हमें फ्राई करना है। अब हम इसे गैस का चूल्हा ऑफ करेंगे और पकौड़ों को प्लेट में निकालेंगे। यार हमारे पनीर के पकौड़े, इसे गर्मा गर्म सर्व करें चाय या कॉफी के साथ। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।